वजह ये है कि यहाँ कुछ पैदाश काम नहीं हो रहा है तो मजदूरी के वास्ते बाहर निकल चुके हैं। बेबसी और बोझिल जिंदगी का बोझ झांसी के बाशिंदे ढो रहे हैं। बड़े शर्म की बात है कि सरकारों के दावे इस सूखी जमीन पर पानी पी रहे हैं। लोग पानी की एक एक बूंद को यहां तरस रहे हैं। बदहाल बंजर और सूखे की इस पीड़ा को लोग सालों से सह रहे हैं, चुपचाप बर्दाश्त कर रहे हैं। लबों पर खामोशी है, चेहरों पर वेदना है और दिल में ऐसा दर्द जो कभी कभार लबों पर आ जाता है। बुंदेलखंड का एक अनकहा अनसुना दर्द और भी है। ये दर्द रोटी रोजगार के लिए पलायन का है। इन घरों पर मायूसी और मुफलिसी के ताले लटके हैं, उम्मीदों की चाबी कहीं गुम हो गई है। रोजगार के अभाव में पलायन करना बुंदेलखंड के लोगों की मजबूरी है और यही वजह है कि आप गांव किसी भी चले जाइए, आपको ज्यादातर गांवों में घरों में इस तरह की तालेबंदी नजर आएगी। ज्यादातर घरों में आपको ताले नजर आएंगे और जिन घरों में आपको अगर लोग नजर आएंगे तो उसमें से ज्यादातर तादाद बुजुर्गों की होगी। दरअसल हर एक गांव से सैकड़ों की तादाद में जो युवा है वो बाहर दिल्ली मुंबई और पंजाब के लिए पलायन कर गया है रोजगार के लिहाज से। उसके पीछे दो सबसे बड़ी मजबूरी हैं, एक तो इलाके में रोजगार का कोई साधन नहीं है और सबसे बड़ी बात यह है कि पानी के संकट ने जो किसानी है उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तो खेतों में फसल होती नहीं है, गांवों में या फिर शहरों में रोजगार मिलता नहीं है, ऐसे में युवा बाहर पलायन करता और वो समस्या दशकों से चली आ रही है और आज तक है। दादा एक चीज ये बताओ, यहाँ पर ज्यादातर घरों में ताले बंद है, वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ कुछ पैदाश काम नहीं हो रहा है तो मजदूरी के वास्ते बाहर निकल चुके हैं। मजदूरी के लिए बाहर निकल जाते हैं? हाँ। कहाँ जाते हैं? दिल्ली है, आगरा है, पंजाब है और हरियाणा है। इधर जाते हैं कमाने? कमाने के लिए। यहाँ कई महीने रोजगार मिलता है? यहाँ साहब नहीं मिलता है कोई। बाहर जाते हो? हाँ। कई महीने रोजगार करते हो? कभी वहाँ मिलता है, कभी वहाँ भी नहीं मिलता है साहब, भूखे। हाँ। खेती किसानी यहाँ नहीं होती? नहीं होती है, पानी नहीं बरसा है साहब। पानी नहीं। आप लोग के बच्चे भी बाहर हैं? हाँ, बच्चा। कहाँ जाते हैं कमाने? कल दिल्ली चलेगा, रात भर रोए बच्चा आज। अच्छा। देखियो आप घर में 2 किलो अनाज नहीं है, का खा ले बताओ? राशन मिलता है नहीं? ये काट है तो हम वैसे लाल काट है तो वो भी कटवा दो। वो भी कट गया? दोनों हाथी अभी सुबह भी का हो जाएंगी का ना हो जाएंगी, उनको ठिकाना नहीं। तो मतलब छोटे छोटे बच्चे जगह जमीन नहीं है बिल्कुल, 2 बीघा जगह है, 4 बच्चा है, बिल्कुल जगह नहीं है। हम तो यहाँ लाल कार्ड वालों को भी कोई लाभ नहीं मिलता जी? लाल कार्ड बना तुम्हारा? हाँ, क्या क्या मिलता है जी? गेहूँ चावल। गेहूँ चावल मिल जाता है जो? और कुछ गैस वैस मिली है? नहीं मिली है। आप लोग नहीं मिली? हमको नहीं मिली। आप सब लोग एक चीज ये बताओ, यहाँ पर किस चीज की सबसे ज्यादा समस्या है? यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। पानी की सबसे पहले जो है, आज यहाँ पे 4-5 दिन पहले करीब 10-12 गायों की बिना पानी के कारण मृत्यु भी हो चुकी है। 10-12 जानवर? 10-12 जानवर गायों की। अच्छा, इधर पे सबसे बड़ी समस्या है मजदूरी की। आदमी के पास मजदूरी नहीं है, गरीब आदमी काम करने के लिए, अधिकतर आदमी हम लोग सब लोग बाहर ही जाते हैं काम करने के लिए। इस गाँव में चितावत गाँव में सारे लोगों का नाम ही उससे कट गया है जो है, तो क्या वजह है, कितने किसान इससे कटे हुए हैं? देखिए सर, ये जो इस गांव का लगभग 187 किसानों का, ईमानदारी से इन लोगों ने साहूकारों से 3 रुपए और 5 रुपए सैकड़े रुपए लेकर बैंक में केसीसी जमा किया, उसमें इनका प्रीमियम काटा और इनके पास रसीदें भी हैं, लेकिन लेखपाल और तहसीलदार की लापरवाही के चलते आज इन किसानों को 1 रुपए का बीमा का लाभ नहीं मिला है। ये बहुत ही बड़ा जो है गलत काम हुआ है, जबकि इनको 30% क्षतिपूर्ति, जबकि उड़दा और तिली यहाँ पूरी तरह कुछ भी नहीं हुई, एक ग्राम पैदावार नहीं हुई। बुंदेलखंड बदहाली और बेबसी की बेड़ियों में जकड़ा है। नौजवान रोजगार के लिए पलायन कर गए हैं, पलायन की वजह सूखा है। सूखे की वजह से खेती नहीं होती, खेती नहीं होती तो घर में खाना नहीं पकता। दूसरा दर्द यह है कि बुंदेलखंड के विकास के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया, जमीन कौड़ियों के भाव किसान से खरीदी गई, जिसने बुंदेलखंड के भाग्य में भूख की इबारत लिख दी।
आलम यह है कि आज भी कई किसान अपनी जमीन के लिए जंग लड़ रहे हैं।